उनका कहना है कि जनाब मैंने डिवोर्स के जो कागजात है ना जनाब, वो जनाब रेडी करवा लिए और बहुत जल्दी जो है ना मैं उनको भेजने लगा हूँ और जनाब उनको डिवोर्स देने लगा हूँ। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, जो कुछ भी आपके हिस्से में आता है, चाहे वो कुछ चंद मरले हैं या एकड़ हैं या जो कुछ भी है, वो आप उनके नाम लगा दें। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना घर बनाए बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तकरीबन 10 बज रहे हैं दोपहर के शाम के सुबह के, तो जो है ना ये सालन हमारा जो था ये खराब हो गया है। इसको हालांकि रात को बाहर भी रखा था कि चलो सुबह काम आ जाएगा, लेकिन गर्मी शायद ज्यादा बढ़ गई है इसकी वजह से ना, अब ये चीजें जो है ना ऐसे ही होंगी। हाँ, अभी हम ये चूजे को डालने गए, चूजे बड़े शौक से खाते हैं, बस गणा से पाया ही। और उधर गणा करना, चलो खा लेंगे। चलो दे दे भाई, अभी हम आए इस साइड पर ही थे साइड दे। चलो ये काम तो होगा कि ये चीज जो है ना ऐसे जाया नहीं जाएगी, इनके काम आ जाएगी, ये खा लेंगे अगर कोई चीज ऐसे खराब होती भी है तो। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज बिल्कुल बादल बने हुए हैं, बारिश आने के काफी ज्यादा इम्कान बन रहे हैं। मौसम सुबह से नहीं रात का ही ठंडा है और काफी ज्यादा ठंडा है। और अवैध साहब जो है ना हमारे गाँव में एक मेला लगता है, रात का वहीं पर गया है, अभी तक वापस आया ही नहीं है। मतलब कि बिल्कुल नजदीक ही है वहां पर, मतलब दूर नहीं है। आज का व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है और सही तरीके से देखना, स्किप वगैरह बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं आज की मतलब के व्लॉग में आप लोगों से बताऊंगा। कुछ इधर की बातें हैं, कुछ उधर की बातें हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया कि उनकी एक ही चीज़ रह गई थी यहाँ पर, सिर्फ भैंस। तो वो मतलब कि भैंस ही मेरी सेकंड वाइफ जो है ना वो लेकर चली गई। तो अब उनके क्या आगे मतलब कि वो स्टेप लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मेरे साथ करना चाहते हैं, क्या अपने साथ करना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों से क्लियर करेंगे। और काफ़ी बातें ऐसी हैं जो लोग न्यू हमारे साथ ज्वाइन हुए तो उनको नहीं पता, तो वो भी बातें मतलब कि क्लियर हो जाएंगी इस व्लॉग में। तो आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है और एंड तक देखना है। चारा काट लिए, ठहर के काटेंगे, कटो कटो, चलो अतई आवाज हो फिर नहीं तई, अब नहीं उन पट्ठे कुतर के नाच ओ नाते शेर नाते होंगे टोरे का मेला पे शेर भी चाहिए मेनू। चल वो कहते ना शेर का मुंह दोदा होता है, जमात नु भी ओ शेर लाल कड़े होते ना वो जुलियां ही बचाने जाते हैं, ऐसी भेड़ियां जुलियां नहीं चाहिए। चलो जी, चारा वगैरह अब लेकर आए थे इसको जनाब। व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप मुझे लेकर बैठ गया, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। हाँ जी, चलो जल्दी करो, राली थोड़ी है यार जेड़ी है वो कुतर लाना ते ना चल गए। चारा इन्होंने काटा तो जो मूलियां हमारी बीजी हुई थी ना वो पक गई हैं और उनके साथ जो ना ये देखिए मुंगरे लग गए, तो ये पौधे पता नहीं चला ना वैसे चारा काटा ना वो साइड पर थे ना, वो अंदर वाली साइड पर थे, वो एक दो बूटे उसने काट लिए। चलो इनका अब सालन बनाए आलू के साथ, बनाएंगे। वैसे ये सालन शायद सर्दी का होता है जहाँ तक मुझे लगता है, उत्तर बरगद सर्दी में जब आप कौन से मौसम की सब्जी रहेगी, हर मौसम गर्मी सर्दी में सारी सब्जियां आ रही हैं। ऐसा ही है? हाँ जी ऐसा ही है। फिर चलो कोई नहीं, आज आलू मूंगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह। काम जना हमारा खत्म हो चुका है, तो अभी नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ अपने दिमाग को ताजा करते हैं, अपने बॉडी को ताजा करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ, अमूल का दूध वाला भी आ गया, ज़ैब आया दूध, दूध पहले पा लिए बोतलों के विच। अभी जनाब शाम हो चुकी है, तो अब हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि हमारे साथ आजकल क्या हो रहा है। दरअसल बात कुछ यूं है कि मेरी जो सेकंड वाइफ है ना, उसको किसी ने बताया है या किसी ने कहा, नहीं भरे सीधी बात है, हमारी तरफ से मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको मतलब कि किसी ने बताया कि अरशद ने जनाब डिवोर्स के जो कागजात डॉक्यूमेंट्स है ना वो तैयार करके रख लिए हैं, तो वो आपको मतलब डिवोर्स भेजने लगे। तो कल मतलब कि मेरी डायरेक्ट बात हुई मेरी वाइफ से, तो उसने मुझे कहा कि मतलब कि इस तरह करके ये है। मैंने कहा नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं आप लोगों को किसने बताया। कहती नहीं 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 कुछ है,
मैं मुझे किसी पक्के बंदे ने बताया है, कुछ है इस तरह का, आप लोगों ने मतलब आपने डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, आप भेजना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो मतलब के ना इस तरह की बातें, एक दो बातें और थी जो मैं मतलब के वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, वो भी मतलब के ना थोड़ी सी ना उखड़ कर बात हुई, तो कुछ मैंने भी सीधी बात थोड़ा सा ना गुस्से में बात की, तो उसका नतीजा कुछ इस तरह हुआ कि कल वो भैंस थी तो वो जनाब वापस लेकर चले गए। हालांकि वहां मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोला, सब कुछ 100% ठीक तरीके से बोला, मतलब कुछ गलत नहीं बोला। ये जो बातें कर रही थी वो हमने की नहीं है, इन्होंने की है ना किसी और ने, बल्कि जो कुछ भी है इनका ही है, मतलब के उस साइड पे जो बातें इन्होंने की नहीं है वो कह रही है आपने की है, ये आपने की है, ये मान ही नहीं रही। फिर ये गुस्से में आ गए, तो इन्होंने कहा जब मैंने ये बातें की नहीं तो तुम बार बार मुझ पर ये क्यों, मतलब इल्जाम ही हो गया ना, अगर मैंने करना है जो भी बात करनी है मैं डायरेक्ट तुमसे करूंगा, ये तुम्हारे बाप से करूंगा, ये घर के किसी और फर्ज से करूंगा, मैं मुझे लोगों के सामने बातें करने की क्या जरूरत है, या मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं छोड़ रहा हूँ या मैं रख रहा हूँ, जो बात वो है वो क्लियर है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ, घर आओ अपने, तुम्हारा अपना घर है। वो इसी तरह की इनकी बातें होती रही, तो बहस होती रही इनकी। हाँ मतलब कि मैं अभी भी नहीं चाहता कि हमारा मतलब कि रिश्ता टूटे या उसको मैं डिवोर्स दूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप मनाल से मेरी बात करवाएं, तो मनाल हालांकि उनके पास बैठी थी, मैं देख रहा था, मतलब कि महसूस कर रहा था कि उनकी बातें थोड़ी बहुत ना वो उनसे बात कर रही थी, तो उसने मतलब नहीं करवाई यार, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यकीन मानो एक माँ होकर कैसे मतलब कि एक बाप से एक बेटी को दूर कर सकती है, मतलब कि बात भी नहीं करवा रही, तो मुझे बहुत अजीब लगा, इतना अजीब लगा कि बस ना पूछें, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था सवाए गुस्से के। फिर मैंने गुस्से में सीधी बात थोड़ी बहुत बातें की कि आप लोग ऐसा ये भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक मेरी बेटी से आप मतलब कि मुझे दूर कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या किस तरह की परवरिश कर रहे हैं उनकी, किन को उनको मतलब क्या समझा रहे हैं मेरे बारे में, आप क्या उनको मतलब कि दलाल दे रहे हैं कि आपका पापा ये वो वगैरह। इन्होंने कहा मेरी मनाइल से बात करवाओ, तो कहती है वो नहीं बात करती, वो तुम्हें भूल गई है। हाँ मुझे याद ही नहीं है तुम उसके बाद। तो मतलब कि मैंने कहा कि वो माएं और होती हैं जो मतलब कि जो भी हालात जैसे भी हों मतलब औलाद को समझाती हैं कि आपका पापा भी है कोई, आपका वालिद भी है कोई, तो मैंने मतलब इस तरह की बातें उनसे की, तो कहती है क्या मतलब आपका मैं वो माँ नहीं हूँ, वहाँ से इसकी अच्छी यहाँ परवरिश हो रही है, ये हो रहा है। मैंने कहा छोड़ो इस बात को जो भी हो रही है, लेकिन आपको मतलब उनको ड्रा कर धमका कर मतलब के नहीं कहना चाहिए इस तरह कि आप बाबा से बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो मुझे यकीन मानो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो मतलब कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, बहुत देखा जाए तो एक जुल्म ही कर रहे हैं कि मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रहे हैं, और कल को कानूनी तौर पर देखा जाए तो शायद वो मेरी ही है, लेकिन इस वक्त तो उसको माँ की ज़रूरत है, कि वो माँ के पास ही रहेगी जितने साल भी रहे, 2 साल 3 साल 4 साल। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि वो मतलब कि ना ऐसा कुछ भी ना हो यार, डिवोर्स वगैरह मैं ज़रा भी नहीं चाहता, बिल्कुल चाहता हूँ कि वो वापस आ जाएं, उसी तरह ज़िंदगी बसर करें जिस तरह पहले कर रहे थे। और मैंने यहाँ तक उनको बोला था कि अगर कोई ऊंच नीच थी ना मेरी तरफ से तो वो भी मैं बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूँगा पहले ही, मतलब कि कोई मतलब कि मेरी तरफ से कोई उनको टेंशन नहीं थी, बस ये 1-2 महीने में थोड़ी बहुत टेंशन हुई जिसकी वजह से काफ़ी काम बिगड़ गया, लेकिन वो किसी बात पर भी ना नहीं आ रहे, सीधी बात है बिल्कुल नहीं आ रहे। पहले थोड़ा बहुत चांस लग रहा था, लेकिन जब ये भैंस लेकर चले गए ना तो अब बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहल मैंने करनी नहीं है, ना मेरा दिल है कि मैं कुछ इस तरह का कदम उठाऊं। अब वो अगर खुद इस तरह का करेंगे तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर अगर वो खुद अदालत में जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर जो फिर किस्मत में हुआ, जो अल्लाह ताला ने चाहा तो होना तो वही है, लेकिन मैं अब भी कल भी और आने वाले दिनों में भी यही कहूँगा कि वो वापस आ जाएं, और उनको मैं पहले से भी अच्छी ज़िंदगी दूंगा, ये मेरा उनसे वादा रहा। मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ उल्ट पटांग हो जाएंगे बातें, कुछ गलत होंगी या सही, नहीं पहले भी ज़िंदगी उनकी अच्छी थी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं थी बसर कर रहे, लेकिन उससे मैं उनकी अच्छी मतलब कि लाइफ गुजारने के लिए सब कुछ मयसर करूँगा जो कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी अल्लाह करम करेगा। आप सब दुआ कीजिएगा कि जो भी मसले मसाले हैं हमारे ये सही हो जाएं, अगर ना हुए तो फिर बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आखिर आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? मैं मेरे तो यही अधीन में, उन्होंने बहुत बुरा किया है, एक तो बात नहीं करवाई और ऊपर से गुस्सा उन्होंने काफी किया आपको। अब आपको जो सेकंड माँ जी है उनको वापस आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए।
वो तो मुझे लगता आती है, लेकिन जो वो आसपास के लोग हैं ना हाँ वो उनके कान भरते हैं। हाँ तो बिल्कुल इसके बिल्कुल यही बात है बिल्कुल। बाकी अब दुआ करें सेट हो जाए सब कुछ, क्योंकि मेरी दुआ बच्चों तो की ना दुआएं रही जो होती है ना वो जल्दी कबूल हो जाती है। मेरी दुआ तो थोड़ी ना रही तेरा है बरकत, मेरी आप क्या आवाज। कहती हैं, आपका क्या माइंड मम्मी है? हमने अल्लाह माफ करे कौन सा ये था ना, कभी पहले ऐसा सोचा था ना, कभी अब सोच रहे हैं और ना कभी सोचेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि वो अपने घर आए, हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। जिस तरह से हमने आप टाइम दे रहे हैं, मतलब ये सारी सहूलतें दे रहे हैं, हमसे ज्यादा उनको दें। अगर उनको टेंशन है ना कि हमारे पास कोई कमी है, तो आप एक वक्त हमें ना दे, आप उनको दें। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा वैसा हो, हम चाहते हैं कि वो अपने घर आए। वैसा वैसे ही ऐसी बात है। चलो फिर ठीक है। चलो जी ये फैमिली तो मतलब कि अगर ये हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अब देखते हैं उस साइड से क्या होता है, बाकी अल्लाह करम करेगा सेंड इंशाल्लाह। करो जेडी थाड़े को पैसे पूछे ने ना, जेडी थाड़े को जमीन है ऐसे क्या ने तुसी थाड़े को जमीन जबून है वो सारी उन ना ना ला लो, जेडी तो थाड़ी 5-6 मुरब्बे है ना जमीन ला दी सारी सारे ला दे छे पांच छे मुरब्बे इकट्ठे। दादा परदादा ने कमर च उठा के पूछो कितने कुछ जगह बनाई जगह कोई ना जमीन शमीन कोई नहीं के लगेगी ना। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हंसी वाले मजाक थे निकलता इससे रहता है। तो जो कुछ है वो होना ही होना है, लेकिन हाँ दादा परदादा ने कोई मुरब्बे होने दे। नहीं जो भी है फिर देखा जाएगा, जो भी जो कुछ है थोड़ा बहुत वो दोनों बीवियों को मतलब बराबर ही देंगे, अल्लाह भी खुश हम भी खुश दोनों बीवियां भी खुश। आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनकी वजह से मतलब के कोई वीडियो शीडियो नहीं बनी, तो काफी देर काफी टाइम तकरीबन सुबह 10-11 बजे वो आए हैं, तो शाम को 5 बजे गए हैं। तो बाकी थोड़े बहुत जो काम थे वो किए, तो उस वजह से ना टाइम ही नहीं मिला कि मतलब वीडियो बना सके। तो अभी अवैध साहब जो है वो खाना खाने लगे हैं। दोपहर में हम खाने में बनाए थे चावल, तो अवैध साहब को भूख लग गई है। और यहाँ पर हम चिकन है थोड़ा सा, इसको बॉयल कर रही हूँ ताकि ये कल तक खराब ना हो, क्योंकि थोड़े बहुत चावल पड़े हुए। नहीं अभी मुझसे नहीं बन रहा सालन फिलहाल, ये नहीं कोई बात नहीं, कल जो है इंशाल्लाह सालन बनाएंगे। इंशाल्लाह कल जो है ना वो सालन बनाएंगे। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं सुबह भी काम करती नहीं, तो अभी मैं सालन नहीं बना सकती। तो जो गोश्त था ना वो बॉयल करके रख दूंगी, थोड़े बहुत चावल हैं उनके साथ अभी टाइम जो है ना गुजर जाएगा, अच्छा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। तो फिर क्या जरूरत सालन बनाने की, इंशाल्लाह कल जो है वो इनमें हमने वो चपनियाँ जो होती है ना वो लाए हैं, वो रखी हुई यहाँ पे, तो ये इनमें डालेंगे कल सुबह, तो इसका सालन बनाएंगे इंशाल्लाह। ये जनाब हमारे भाई जो है ना वो लेकर आए, उनके घर पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, एक दो उनके अपने थे ये भी थे, उन्होंने कहा कि जनाब अर्शद को देते हैं जाकर। हाँ जी ये जबरदस्त चीज है, ये एक कोने में लगते हैं दीवार में, हाँ तो वहाँ पर लगाएंगे ना, ऊपर बंदा रख सकते पुराने में ये दिया कुछ और। लगेगा ना ऐसे, ये छोटा साइज है और ये जो है ये बड़ा है, ये नीचे लगेगा ये ऊपर लगेगा, दो साइज लगेंगे कोने में, तो इसके ऊपर जो चीज बंदा चाहे रख सकता है, पुराने पाक रखने हैं कोई और चीजें रखनी है वो। हाँ कल इसको थोड़ा बहुत साफ करते हैं ना, करते हैं ना ये फिर वहीं पर लगाएंगे, बिल्कुल वहाँ वो कोने में सही रहेगा। हाँ जी चलो अच्छी बात होगी। चलो जी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करने लगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे किसी और सोनी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, अपने ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का रखिएगा, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा, और खास तौर पर आप लोगों ने हमारे लिए खास तौर पर दुआ करनी है ताकि किसी की दुआ हमारी कबूल हो जाए और हमारे जो घर में ये मसले मसाइल टेंशन है जो भी है ना ये सब 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 क्लियर हो जाए, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, देखा जाएगा जो भी होगा। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। कर ली खराब पुत्र, तेरे तो उम्मीद है मेनू ये ने ऐ की करूंगा हुन, इंजीनियर की है तो चलता है, चला ना चलता तो पे और किवें चले, इंजीनियर है अपना पुत्र, इंजीनियर है ऐ में नहीं चलता, खोल के माउस तैयार कर रहा है दोबारा नहीं चल रहा पुत्र, मैं की कहूं तुम्हें।